दोस्तों ये वीडियो है गुजरात का। इसमें देखिए इतने भीड़ में बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं और महिलाएं हैं। महिलाओं के हाथ में एक मटका है, मटके से वो पानी बहा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना भीड़ क्यों है। भीड़ का कारण ये है कि गुजरात में एक रेस्टोरेंट का मालिक मुसलमान निकला, तो जिसकी वजह से इतना सारा भीड़ को इकट्ठा किया गया है और ये लोग नारा भी लगा रहे हैं साथ में। वो नारा क्या है आगे आप सुनिए। तो दोस्तों नारा ये था कि देश में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा। भारत हर मज़हब को मानने वाला एक देश है जिसमें बहुत सारे मज़हब रहते हैं, लेकिन अगर सब मज़हब इसी तरह का अगर सांप्रदायिक भीड़ बनाते रहेंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। आज़ादी हुई है, ये 99 साल की लीज पर है, भारत कम्प्लीटली आज़ाद नहीं है। एक सेकंड, ये बहुत बड़ी बात कर रही है, 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे, 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे संविधान, आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। लेकिन मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत। एक सेकंड, मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको जी। अरे पूछने तो दो भैया, एक सेकंड। रुचि पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता, लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात जी, है जी, ये बिल्कुल। तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के, किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ यूट्यूब के वायरल वीडियोज में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप समझ दीजिए, इन मोहतरमा का कहना है कि हमारा भारत देश जो है वो अभी तक पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ है। इनका कहना है कि अभी जो हम भारत देश आज़ाद है वो 99 साल की लीज पे आज़ाद है, उसके बाद भारत देश दोबारा से ब्रिटिश शासनकाल आ जाएगा भारत देश के अंदर। इनके साथ जो ये भाई साहब बैठे हुए हैं साइड में, वो भी मज़ा ले रहे हैं इनकी बात का। देखिए वो कैसे पहले हंसते हैं और फिर गर्दन हिलाते हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि भाई ये जो है सरासर गलत है, ये कहीं पुष्टि नहीं है ये चीज़ का। दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।